हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाजवाब जायका में। चलिए आज एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं, बर्गर। बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ प्याज, टमाटर और खीरे के स्लाइस। ये हाफ मैंने लेमन लिया हुआ है। इसके बाद ये हैं बॉईल किए हुए आलू। हमने चार बर्गर तैयार करने हैं, तो ये मीडियम साइज़ के 5 आलू मैंने लिए हुए हैं। और इसके बाद है बीच वाला धनिया। ये बीच वाला धनिया आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बाद है थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये हमने लिया हुआ है। चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ले लेंगे। और ये 4 हमने हरी मिर्च ली हुई है, इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। और ये चीज़ है पिसा हुआ धनिया पाउडर। फिर चाहिए थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ मक्खन, कुकिंग ऑयल, मटर और सॉस चाहिए होगी हमें। इसके बाद हमें कुछ चाहिए, ये है मेयोनीज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लेते हैं। ये आलू को हमने तोड़ लिया है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर थे उन सबको भी मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये जो वाली मटर जो हमारे पास है ये भी हमने इसके अंदर मिला देनी है। इसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला भी हमें इसके अंदर डालना होगा और इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी हमने टिक्की बना लेनी है। कुछ इस तरह से आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। और टिक्कियों के अंदर हमेशा कच्ची मटर का ही यूज़ करें। दूसरा ये कि टिक्की बनाते हुए कई बार आलू हमारे हाथों पर चिपकने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर अपने हाथों पर लगा सकते हैं जिससे कि ये ना चिपके। इसके बाद हमने तवे को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो इसके ऊपर हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा फैला देंगे। तवा अच्छे से गरम होना चाहिए। अगर तवा अच्छे से गरम नहीं हुआ होगा और उसके ऊपर हम टिक्कियाँ डालेंगे तो वो चिपकने लग जाएंगी। ये टिक्की हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसको ब्राउन करना है। थोड़ा थोड़ा तेल हमने इसके अंदर डालते रहना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। ये टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बर्गर के हमने 2 पीस कर लेने हैं और दोनों के ऊपर सॉस और मेयोनीज लगा देनी है। इसको इस पर डालकर हम फैला देंगे। और दूसरे पार्ट पर हमने सॉस लगाकर ऐसे फैला देनी है। 1 चम्मच सॉस, टोमेटो सॉस जो है हमने इसको ऊपर फैला देनी है। और उसके बाद थोड़ा सा मक्खन हम इस पर डाल देंगे। ये मक्खन हमने इसके ऊपर डालकर थोड़ा फैला दिया है। अब ये जो हमारे पास स्लाइसेस हैं इसके ऊपर लेमन जूस हम डाल देंगे। अच्छे से डाल करके और इसको भी हमने बंस के ऊपर रख देना है। इसके बाद ये फ्राई की हुई टिक्की इसके अंदर आपने रख देनी है ऐसे। ये वाला पार्ट था, इसको हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है और इसको हम तवे पर थोड़ा सेक लेंगे। इसके बाद गरम तवे पर इसको थोड़ा सा हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। आप चाहें तो हरे धनिया की पत्तियां थोड़ी सी इसके अंदर डाल करके इस तरह से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ये तैयार है हमारा मिक्स वेजिटेबल बर्गर। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है
प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।